हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट और बिल्कुल सिंपल तरीके से सब्जी आलू पालक और बैंगन की। तो जिसके लिए हमने एक बैंगन लिया है, 5-6 आलू को हमने काट लिया है और यहाँ पर हमने 500 ग्राम पालक का साग लिया है जिसे हमने अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया है। तो सबसे पहले हम बैंगन को काट लेते हैं। तो बैंगन की जो डंटियाँ हैं वह हम हटा देंगे और इसके हम छोटे छोटे पीसेज में काट लेंगे। तो बैंगन को हमने काट लिया है, अब हम पालक को काट लेते हैं। तो पालक को भी हम छोटे छोटे इस तरह से काट लेंगे ताकि जो सब्ज़ी है वह हमारे आसानी से गलकर जल्दी बन सके। तो यहाँ पर हमने पालक को काट लिया है और पालक हमारा बिल्कुल फ्रेश है। तो सारे सब्जियों को हमने काट कर रख लिया है। तो अब हम चलते हैं मसाला देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे, 5 से 6 कली लहसुन का जिसे हमने बिना छीले हुए डाला है, 1 चम्मच काली मिर्च और यहाँ पर हमने 1 चम्मच साबुत जीरा इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे और इन सारे मसालों को हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पर हमने मसालों को पीस लिया है। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है, इसमें हम सरसों का तेल डाल देंगे। हम इसे बहुत ही कम तेल में बनाएंगे और यहाँ पर हम इसमें 1/2 छोटी चम्मच हम इसमें जीरा डालेंगे, थोड़ी सी हम इसमें पीली सरसों डाल देंगे और यहाँ पर हमने 1/2 प्याज का इस्तेमाल किया है, सिर्फ छोटा सा टुकड़ा ही हमने प्याज का इसमें डाला है। प्याज को हम हल्का ही ब्राउन करेंगे। अब इसके बाद हम बैंगन को डाल देंगे और बैंगन को भी हम 1 से 2 बार इस तरह से अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ पर हमने बैंगन को भून लिया है, अब हम इसमें आलूओं को डाल देते हैं। तो हमने आलू और बैंगन दोनों चीज़ों को डाल दिया है और इसे हम 1 से 2 मिनट तक इसी तरह से भून लेंगे अच्छी तरह से। अब हम इसमें जो हमने मसाले पीस कर रखे थे वह हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर थोड़े से मसाले हमारे और बच चुके हैं। अब हम इसमें 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। सारे मसालों को हम फिर से मिला देते हैं और मसाले थोड़े से सूखे लग रहे हैं तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया है। पानी डालने के बाद हम इसे 2 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं तो ढक्कन हटा देते हैं और यहाँ पर देखिए बैंगन जो है वो हमारा अच्छी तरह से गलकर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ का टमाटर जिसे हमने काट कर रख लिया था वह हम डाल देते हैं और टमाटर को डालने के बाद भी हम सब्जियों को फिर से चला देते हैं। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद अब हम जो पालक साग हमने काट कर रखा था वह हम डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे पालक साग को इसी तरह से इसमें हम डाल देंगे और पालक साग को डालने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे ताकि आसानी से गल सके। यहाँ पर ढक्कन हटाकर हम थोड़ा सा इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पालक साग को हमने डालने के बाद बस 1 मिनट के अंदर ही पालक साग हमारा बिल्कुल गलकर तैयार हो चुका है। सब्जियों को अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम इसे 2 मिनट के लिए फिर से ढककर छोड़ देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटा देते हैं। तो यह देखिए सब्जी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है और यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप इसे रोटी के साथ या फिर चावल के साथ खाएं और यह स्वादिष्ट के साथ साथ हेल्दी भी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें।